हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे फॉर SSC 131 एंड SSC 132 के लिए। तो यार, ह्यूमिनिटी सेक्शन जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसमें 5 टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उन सभी टॉपिक का पर्टिकुलर, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सभी का हम लोग डिटेल सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे आपको एक आउटलाइन मिल जाए कि हमारे ये ह्यूमैनिटीज सेक्शन की बाउंड्री कहाँ तक है। क्योंकि जब हम MCQ कराते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये बहुत टफ MCQ करा रहे हैं, सर ये सिलेबस में है कि नहीं, सर ये सिलेबस से बाहर तो नहीं है, ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन है। वो टफ क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, अभी तक आपको सिलेबस का पता ही नहीं कि सिलेबस में उस बाउंड्री में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले वो समझ लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर उसके बाद आप इस वीडियो को सेव कर लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम कहाँ से कहाँ तक हमारी बाउंड्री है, ठीक। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये अपने आप में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, इसको देख लीजिए, फिर आपको सिलेबस रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं सिलेबस वाला ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग का पूरा सिलेबस डिफाइन है, चैप्टर वाइज चैप्टर डिफाइन है, मैथ्स का चैप्टर वाइज चैप्टर डिफाइन है, जीके का पता है कहाँ से पढ़ना है, इंग्लिश का पता है कौन कौन से टॉपिक आएंगे, साइंस का पता है कि कौन कौन से उसमें टॉपिक पूछे जाएंगे। वन एंड ऑनली कल ह्यूमैनिटीज ही ऐसा जहाँ कल सब्जेक्ट का नाम लिखा है, कोई टॉपिक का नाम नहीं लिखा है। तो उस टॉपिक को हम लोगों ने PYQ से एनालिसिस किया है, जिसकी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाई SSC डिफेंस अकेडमी, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप लोग इस डेट को भूले नहीं हो ना, ये वाला 5 जुलाई 2024 को, ये आपका ड्रीम एग्ज़ाम का डेट है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। देखो, ह्यूमैनिटीज सेक्शन का जो सिलेबस होता है वो 5 पार्ट में डिवाइड है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे, इससे भी 5, इससे भी 5, इससे भी 5, इससे भी 5 और इससे भी 5, टोटल हो गए 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है। ये पूरा ह्यूमैनिटीज का सिलेबस कहता है। तो जियोग्राफी जो आपका ये टॉपिक है, इसमें 2 सब टॉपिक्स आते हैं, एक इंडियन जियोग्राफी आती है, एक वर्ल्ड जियोग्राफी आती है। इंडियन जियोग्राफी में क्या क्या लिखा हुआ है, बेसिक क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन रीसेंट ACC एग्जाम। जो ये जो एनालिसिस बनाई गई है ना, वो आफ्टर द सिलेबस चेंज ACC 127, 128, 129, 130 को ध्यान में रखते हुए और साथ साथ 126 तक जितने भी पेपर ACC के हुए हैं उन सभी को देखते हुए और लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को देखते हुए ये एनालिसिस तैयार की गई है। आपके जो एग्ज़ाम का जो फोकस होता है ना, जो फोकस वाले टॉपिक हैं, जो क्रीम टॉपिक हैं, जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो हैं रिवर्स और ड्रेनेज सिस्टम, मानसून, डैम्स एंड उस किस नदी पे बनाया गया है, क्रॉप्स एंड सीजन, एटमॉस्फेरिक लेयर। ये सब ऐसे टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, 5 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल जाएंगे, ठीक। ये फेवरेट टॉपिक है, इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक हमारे लाइव क्लास में कवर कराए जाते हैं, बट मैं इस समय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं और इसी पे हम लोग MCQ करेंगे अब आगे, ठीक है। एंड वर्ल्ड जियोग्राफी में देखिए क्या है, वर्ल्ड जियोग्राफी में ग्रासलैंड है, वॉल्केनो है, माउंटेन रेंज आते हैं, माउंटेन पीक आती है, ठीक है। MR और MP मैंने इसीलिए लिखा है, माउंटेन रेंज और माउंटेन पीक। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, कॉन्टिनेंट्स, लॉटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल टाइमलाइन, इंटरनेशनल डेटलाइन, सोलर सिस्टम, ये सब ऐसे टॉपिक हैं कि हर साल आपका एग्जामिनर उससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। वो रिपीटेड फॉर्म में भी पूछ लेंगे, वो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो रिपीटेड फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, खासकर वर्ल्ड में तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, वर्ल्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रासलैंड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 129 130 129 में ग्रासलैंड पूछा था। कौन सा सॉइल हो गया, इंडियन जियोग्राफी में एक टॉपिक है सॉइल का, सॉइल टॉपिक भी हो गया, ठीक है। नेशनल पार्क्स हो गए, नेशनल पार्क में ये एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बच्चा कर ही ना पाए। नेशनल पार्क बहुत आसान है, नेशनल पार्क से क्वेश्चन बहुत ईजी ही आते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको पढ़ के ही जाना चाहिए और इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए
ACC 131 और ACC 132 का नया बैच स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें टॉप 500 रैंकिंग गारंटी आपको दी जाती है। इस रिमेनिंग टाइम में भी 3 महीने बचे हुए हैं, या तो आप टॉप कर जाओगे इसमें, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में रहोगे, या तो फिर अपने अगर समय को बर्बाद करोगे फिर सिलेक्शन लिस्ट से बाहर भी हो जाओगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए, जितना जल्द हो सके जुड़िए, फिर देखिए आपका सिलेक्शन को हम लोग कैसे अच्छे तरीके से कवर कराते हैं सिलेबस को, और आपका सिलेक्शन कितने अच्छे तरीके से हम लोग करवाते हैं। बैच को ज्वाइन करते हैं आपको फुल PDF नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें थ्योरी, MCQ, वन लाइनर सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा बैच को ज्वाइन करते ही। 500 ज़्यादा घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जिसमें आपको कंप्लीट 500 से ज़्यादा घंटे की रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे, जिससे आप अपना वीडियो देख के भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप टॉपिक के कॉन्सेप्ट को वीडियो के माध्यम से नहीं क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे लाइव क्लास में आइए डेली 9 to 11 PM पे, जहाँ पे आप टीचर से इंटरेक्शन कर सकते हैं, टीचर का नंबर आपको दिया जाएगा, आप टीचर से बात कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, ACC डिफेंस अकेडमी आपके साथ हर समय मौजूद है। वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, PYQ भी सॉल्व कराए जाते हैं रिकॉर्डेड क्लास में भी और लाइव क्लास में भी। और जो लाइव क्लास की टाइमिंग है वो 9 to 11 PM पे है। तो इतनी तो ये कोर्स की फैसिलिटीज है, साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग अलग से भी आपको क्वेश्चन की PDF देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। जितना यहाँ बता दिया जाएगा उतना कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन टॉप 20 में हो जाएगा, ये गारंटी है हमारी। 8120745966 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो अपनी टीचर से बात भी कर सकते हैं। ये ACC डिफेंस अकेडमी का लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, गूगल मीट भी स्क्रीन शेयर करके हम लोग पढ़ाते हैं PDF नोट से, जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स इसमें मैं क्या दूंगा, PYQ को देखो भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखिए, यही आपका ब्रह्मास्त्र है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग मटेरियल के लोग नोट्स लाते हैं मेरे पास, मुझे सेंड करते हैं, सर देखिए रेलेवेंट है, यार कुछ रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना। आपको ACC डिफेंस अकेडमी जितना देगा, साथ साथ PYQ देख लीजिए, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कब मत करिए, क्योंकि आपके एग्जाम का लेवल हाई लेवल नहीं है। हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मान के चलो कि औंधे मुंह गिरोगे, जो इजी आएगा वो तो गया ही गया, हाई लेवल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे और इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए ये काम कभी मत करना। रीड एंड प्रैक्टिस ओनली अप टू द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम, पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ये तो ज़रूरी है, लेकिन किस लेवल का, UPSC लेवल का नहीं, ACC एग्ज़ाम लेवल का, जो कि वेरी इजी टू मॉडरेट है, उस लेवल का पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। नो रिक्वायर्ड नॉट डीप नॉलेज, कोई भी स्कॉलर बनने वाला नॉलेज नहीं चाहिए, PhD करने वाला नॉलेज नहीं चाहिए, आपको टॉपर बनना है, आपको स्कॉलर नहीं बनना है, ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़िए, स्मार्ट स्टडी करिए। और ACC मतलब ACC डिफेंस अकेडमी ही पूरे लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करता है, जो केवल और केवल ACC डिफेंस अकेडमी ही केवल ACC एग्ज़ाम को फॉलो करता है, सिंगल एग्ज़ाम हमारा ACC है, ठीक है। इसलिए हमारे कंटेंट में इतना दम है, 20 चीज़ की कोचिंग कराएंगे साथ में तो मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक ही चीज़ को फोकस करना है तो वो मटेरियल हमारा सबसे तगड़ा है, ठीक है। ये ACC डिफेंस अकेडमी का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद YLC SSB 131 के सभी लेटेस्ट ट्रेंड मटेरियल आपको यही मिलेंगे। 8120745962 व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। ये ACC के बुकलेट्स हैं, जो अपने यूनिट एड्रेस पे और अपने करस्पॉन्डिंग प्रेफरल एड्रेस पे भी आप कुरियर करवा सकते हैं, जो जिसमें हर टॉपिक का ब्लूप्रिंट है, हर सब्जेक्ट के MCQ हैं, 1000 ज़्यादा वन लाइनर, लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ये बुकलेट ACC 130 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी सिलेक्शन में, आप भी इसको ऑर्डर करके अपने सिलेक्शन को पक्का करिए, और नेटवर्क से होने वाली समस्याओं से दूर रखकर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं इन बुकलेट्स के माध्यम से, अपनी यूनिट एड्रेस पे ऑर्डर करवा कर भी। ये ACC डिफेंस अकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लेटेस्ट ट्रेंड अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब जुड़े रहें। फ्री वीडियो सीरीज़ हमारे यहाँ चलाई जा रही है, उसमें क्वेश्चन भी बढ़ाए जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट नए नए क्वेश्चन भी लाए जाएंगे। तो इन सभी को पाने के लिए हमारे यूट्यूब जुड़िए, वीडियो पसंद करिए, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसका जवाब जरूर देंगे हम।